Hello everyone, I am Poonam Tawar. I am your social science teacher. Students, we have already done important parallels of latitude. Hope you have understood it well. Today, we will move ahead with some interesting things. Heat zones of earth of the same chapter globe, latitude and longitude. Come with me. Okay student, your earth is basically divided into three zones. ठीक है? आपकी जो धरती है, वो तीन zones में divide है. अब zones आप कहेंगे कैसे? Again, it is imaginary. ये कोई इस पे कोई दीवार नहीं बना रखी. No boundary is there. ठीक है? No LOC is there. Thing is, it is particularly divided in terms of the sun rays it has received. ठीक है? तो first zone है बेटा torrid zone. ठीक है? Second है temperate zone. Third है frigid zone. ठीक है? इधर देखिए आप. टॉरिड जोन बीच में मैंने आपको बताया था जो बीच में से इमेजिनरी लाइन है दैट इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वी हैव टेकन द रेफरेंस ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री ठीक है तो द जोन दैट इज सिचुएटेड एट द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड एज वेल एज टू द साउथ ऑफ इक्वेटर इज नोन एज टॉरिड जोन व जोन जो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में आता है उसको आप टॉरिड जोन बोलोगे अब आप कहोगे टॉरिड जोन में कौन सी कंट्रीज आती है तो बेटा इंडिया आती है यूरोप आता है अमेरिका आता है ठीक है तो इसकी स्पेशलिटी ये है आप देख रहे हो ये सन डायरेक्ट रेज पड़ रही है इसकी सन पे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्रेट सर्किल बनाता है सर्कमफ्रेंस कहाँ पे सबसे ज्यादा बन रहा है इक्वेटर पे तो बेसिकली आपको नॉलेज पता चल रही है ना क्यों हीट है क्योंकि सन से ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है नजदीक है अब आप चाहे बल्ब के पास बैठ जाओ ज्यादा देर बैठ जाओगे तो आपको हीट लगेगी आपने कहीं इसको फिट कर रखा है तो आपको कम गर्मी लगती है ठीक है ऐसे आप इमेजिन करो अगर सन इतनी बड़ी तगड़ा स्टार है अगर उसके डायरेक्ट हीट पड़ रही है किसी जोन पे तो इट मींस इट रिसीव द मैक्सिमम हीट और यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी आर यू डन विद टॉरिड जोन हैव यू अंडरस्टूड ठीक है बेटा नेक्स्ट जोन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स दैट इज टेम्परेट जोन एज द नेम सजेस्ट टेम्परेट मींस तापमान या टेम्परेचर तो ये जो टेम्परेट जोन है इसमें ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है ये क्या हो गया बीच का जोन हो गया इधर देखिए आप ये कहां पे है अगेन पोल्स मतलब पोल्स के तो पड़ गए साउथ में बट इक्वेटर के पड़ गया नॉर्थ में ये वाली बेल्ट आप देख रहे हो ये आपकी टेम्परेट जोन की है क्योंकि धरती गोल है तो नीचे भी ये जोन होगा ठीक है तो ये देखो आप टेम्परेट जोन यहाँ पे आपकी नीचे कौन सी कंट्रीज आती हैं आपकी कंट्रीज आती हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आती है अफ्रीका आती है ठीक है एंड इंडिया भी आती है अब आप कहोगे मैम इंडिया तो उसमें भी थी टॉरिड में भी थी टेम्परेट में भी आपने दे दिया तो मैं बताती हूँ आपको बेटा टेम्परेट जोन मैंने क्या बताया ना वहां ठंड ज्यादा है ना वहां गर्मी ज्यादा है बीच का मौसम है टॉरिड में क्या था बहुत गर्मी थी तो आपके टॉरिड में इंडिया में बहुत गर्मी कहाँ होती है साउथ की साइड ठीक है तो आपका आधा इंडिया टॉरिड जोन में है बाकी का ऊपर नदर हिमालयस वाली साइड कहाँ पे है वो टेम्परेट जोन में है वहां पे कम पड़ती है सन रेज ठीक है अब जब मैंने आपको टॉरिड सबसे ज्यादा हीट वाला बता दिया मीडियम पर बता दिया बच कौन सा गया जहां पे सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है ठीक है तो फ्रिजिड जोन आपके घर में फ्रिज होता है ठीक है उससे या अंदाजा लगाओ फ्रिजिड फ्रिजिड मीन सबसे ज्यादा ठंडक वाला जोन कोल्डेस्ट जोन ऑफ अर्थ सॉरी हीट जोन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कोल्डेस्ट जोन है आप इसमें डेपिक किया हुआ है मैंने इसमें देखिए कहां डेपिक्शन है नियर द पोल्स नियर द पोल्स कैन यू सी सूरज हमारा यहाँ पे है सन यहाँ पे है तो यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ हीट इज रिसीव अगेन धरती गोल है तो अगेन हियर लेस अमाउंट ऑफ हीट इज रिसीव सो ये दोनों जोन पे बेसिकली आप देखते हैं ग्लेशियर्स होते हैं बड़े बड़े पहाड़ होते हैं बर्फ होती है आइसबर्ग्स होते हैं ठीक है तो ग्रीनलैंड पे है ये
रशिया में है, फिनलैंड में है, ये सारी कंट्रीज कहाँ पे सिचुएटेड है? इन फ्रिजिड जोन, ठंडी वाली जगह पे, ठीक है? तो ये जोन तीनों आपको समझ में आए। टॉरेट बताता है आपका बहुत ज्यादा गर्मी वाला, फ्रिजिड बताता है बहुत ज्यादा ठंड वाला, बीच का कौन सा हो गया? टेम्परेट। टेम्परेट अपने नाम से ही बता रहा है, बीच का तापमान क्या है? बीच का है, ठीक है। आते हैं हम प्राइम मेरिडियन पे, ठीक है। प्राइम मेरिडियन ये क्या है? एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, जैसे कि कोई कंफ्यूज ना हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, इस टाइम को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, ठीक है। यहां से ही सब अपने कंट्री को मापते हैं, कोई कंट्री आगे है, कोई कंट्री पीछे है, तो इस मीन टाइम को प्राइम मेरिडियन माना है। इसी कंट्री का रेफरेंस लेके बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज क्या लेती हैं? टाइम अपना निर्धारित करती हैं। अगर कोई कंट्री बहुत बड़ा एरिया घेरे हुए है तो उसका टाइम क्या होता है? बटा हुआ होता है। जैसे कि आपकी ईस्ट में सूरज पहले उगता है, वेस्ट में बाद में उसकी रोशनी जाती है। हमारा जोन पर अलग नहीं है, हमारा पूरे इंडिया का सेम टाइम है, पर जैसे कंट्रीज कई कई बड़ी होती है ना बेटा, तो उसके अलग अलग जोन्स बनाने पड़ते, सॉरी जोन्स नहीं बेटा, प्राइम मेरिडियन से रेफरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको हीट जोन समझ में आया होगा, हीट जोन्स क्या है, और आपको ये समझ आया होगा कि अर्थ पे वो कहाँ कहाँ है। अब आप ऐसे ही अंदाजा लगा के देखिए, पोल्स के पास कौन सी कंट्रीज है? वो फ्रिजिड जोन में है। कल आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मैंने अभी भी बताया कि ये जो टॉरिड जोन है इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब इसमें आपका इंडिया विभाजित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है, अफ्रीका भी है, ठीक। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ आई होगी। आपको प्राइम मेरिडियन समझ आया होगा कि हमने ग्रीनविच को मीन टाइम माना है, वहां से सारे कंट्रीज अपने टाइम जोन निर्धारित करती हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, एंड इफ यू फील एनी डाउट यू कैन कॉल मी, एंड एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू गिव यू द वर्कशीट रिलेटेड टिल नाउ, ठीक है। जो भी नॉलेज अभी आपको मिला है उससे रिलेटेड आपसे वर्कशीट ली जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।